चलो आज ऐसा पास्ता बनाते हैं जो जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, और सब्जियां भी हम डालेंगे अपनी अपनी फेवरेट। तो यहाँ मैं बटर वेजीज पास्ता बना रही हूँ, और मैंने लगभग 2 चम्मच बटर लिया है। अगर आप बटर में नहीं बनाना चाहते तो घी में भी बना सकते हो, या तो ऑयल डाल सकते हो 2 चम्मच, नहीं तो फिर 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच ऑयल डाल देना। ठीक है, अच्छे से गर्म करना। 8-10 कलियां लहसुन की बारीक काट के, 1 लाल मिर्च डाली है, अगर कुटी हुई हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरक डाल देना 1 चम्मच, साथ में बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना छोटे कटोरी के साइज़ से। ठीक है, अच्छे से इन्हें हमें भूनना है। थोड़ा सा प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होती है तब तक हम शिमला मिर्च डाल देंगे। फिर साथ में मटर डाला है मैंने, हरा मटर। अगर आपके पास कैबेज हो तो आप कैबेज भी डाल सकते हो। 1 ही कटोरी के साइज से डाला है, जितना प्याज डाला उतना ही सेम क्वांटिटी में चारों चीज़ें डाली हैं। गाजर भी थोड़ा सा पड़ा था मेरे पास तो मैंने डाल दिया है। आपके पास ब्रोकली वगैरह हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, और अगर कुछ पसंद नहीं है तो इसमें से स्किप कर सकते हो। इसको भी थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे हम, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए। वैसे सब्जियां तो हल्की कच्ची रहें तभी अच्छी लगती हैं पास्ता में। फिर 1 बारीक साइज़ का टमाटर डाल दिया मैंने चॉप करके, आप चाहो तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। स्वादानुसार यहाँ पर नमक डाल देना है, और जो मैंने मैक्रोनी पहले बॉईल करके रखी थी उसमें 1 चम्मच ऑयल और नमक पहले ही डाल दिया था, तो यहाँ सब्जियों के लिए सिर्फ हम नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक मत डालना क्योंकि अभी हम और चीज़ें भी ऐड करेंगे तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करना है इसको, यहाँ पर हमें बढ़िया सा भूनना है, थोड़ा सा टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए, इसीलिए यहाँ पर आप ग्राइंड करके डालना कोशिश करो। तो इस तरीके से मसाला हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद मैंने 2 चम्मच डाला है टोमेटो सॉस, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। सोया सॉस हो तो डाल सकते हो, मेयो खाते हो तो मेयो भी डाल सकते हो। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डाला है मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल देना। बाकी आधा पैकेट डालना है मैगी मसाला, अगर मैगी मसाला नहीं हो तो जो भी आपके पास पास्ता फ्लेवर वाला मसाला हो आप ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल देना, धनिया पाउडर वगैरह, तब भी टेस्ट थोड़ा सा बन जाएगा, मतलब हाँ टेस्ट अच्छा हो जाएगा उससे। अच्छे से भून लेना है इन सबको, बढ़िया सा मसाले की बढ़िया सी खुशबू आ जाए। जब सब्जियाँ हमारी सारी भून के तैयार हो जाएंगी तो हम इसमें अपनी मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी आप कोई भी साइज़ में कोई भी शेप में ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मुझे आज ये वाली मैक्रोनी खाने का मन कर रहा था तो मैंने ये डाला है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसको मैक्रोनी बोलते हैं या पास्ता बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको मैक्रोनी कहा जाता है, पास्ता नहीं बोलते। अभी मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं तो पास्ता ही बोलती हूँ। नाम कुछ भी बोलो, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, है ना, है कि नहीं? टेस्ट अच्छा हो, बना अच्छा हो, तो फिर पास्ता मैक्रोनी सब बराबर लगता है। बाकी फिर हरा धनिया खाते हो तो ऊपर से डाल के गार्निश कर सकते हो। बाकी सॉसेस वगैरह अगर ऊपर से डालना हो तो ऐड कर लेना। बाकी हमारी मैक्रोनी तो तैयार हो गई है, बढ़िया सा भून लेना। यहाँ पर गैस बंद कर सकते हो आप, अच्छे से मिक्स कर देना। हाँ, और अगर चीज़ वगैरह पसंद हो तो ऊपर से यहाँ डाल के थोड़ा 5 मिनट के लिए पका सकते हो। चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब चीज़ी पास्ता हो जाएगा, अच्छा टेस्ट देगा वो भी। बट मुझे मोस्टली सिंपल पास्ता पसंद रहता है, ज़्यादा मुझे बाहर का पास्ता बना अच्छा नहीं लगता, मैं घर पे ही मोस्टली बनाना प्रेफर करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।